डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैथ स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से आप सीख रहे होंगे। ये प्लेटफॉर्म जो है मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। आप कोई प्रॉब्लम है, कोई नोट सोल्यूशन वगैरह आप चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस जो है 86-13 BEd 1.5 और 2.5 के हवाले से, जो आपने बुकलेट को सॉल्व करना है उसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया है। इंटरपर्सनल स्किल सब थीम में से मैंने एक टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपके कोई भी टॉपिक है तो आपको ये हेल्पफुल होगी। आपने क्या करना होगा, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका कोई भी टॉपिक है तो आपको जो प्रॉब्लम है आपने वो प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किए, कौन से प्रोसेस को आपने अपनाया है, कौन से स्टेप आपने किए हैं, आप प्रोसीजर लिखना है और डाटा कलेक्शन किस तरह किया है, तो आपने कैसे ये किया सारा, तो इसका सलूशन जो है वन बाई वन देखते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू माई टॉपिक पब्लिक प्रॉब्लम वाज पब्लिक स्पीकिंग एंगजाइटी एंड रिसर्चर चूज द रिसर्चर ने ये क्या किया, चूज प्रॉब्लम की है। तो आपने ये मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे एक टीचर्स के हवाले से ये किया हुआ है। तो आपका कोई भी टॉपिक है तो आपने वो प्रोसीजर जिस तरह आपने डाटा कलेक्ट किया है आपने उसको क्या है, मैंने यहाँ पॉइंट टीचर ट्रेनिंग के हवाले से किया कि उसका एंगजाइटी लेवल को दूर किया जाता है। फिर सेमिनार्स के जरिए टीचर्स लेसन देते हैं, काउंसलिंग के जरिए किया है, कोचिंग के जरिए किया है, गूगल वॉइस के जरिए यानी विकीपीडिया को यूज़ किया है, गूगल सर्च इंजन को मैंने यूज़ किया है, आपने भी किया होगा। तो उसके बाद लिसनिंग डिफरेंट पब्लिक स्पीकर को सुन के जी मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग को इन्हेंस किया जा सकता है। इसके बाद मोटिवेशनल लेक्चर हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के, कासिम अली शाह, नवाज साफी और इंडियन एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी, उसका भी मैंने यहाँ जिक्र किया है। रीडिंग डिफरेंट बुक्स और स्पीकिंग प्रैक्टिस है, यानी आपने जो भी आर्टिकल लिखना है तो आपने, आपको जाहिर सी बात है हर टॉपिक से रिलेटेड आपको नेट से जो बुक्स देखनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपने इसके हवाले से इसको लिखना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन शीट जो है, आपने एंड पे जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपने डाटा कलेक्ट किया, तो आपने प्रेजेंटेशन लिया, जैसे भी एक आपने मार्क शीट जो असाइन करनी होती है एंड पे, जिस तरह आपके बीएड के फाइनल टू लेसन लिए जाएंगे तो उसमें तीन ऑब्जर्वर पीछे बैठेंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा आपके नंबर्स लगाएंगे। इस तरह ऑब्जर्वेशन शीट है डाटा कलेक्ट के, कितने लोगों ने इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनों की नहीं हुई है, तो इस हवाले से। इसके बाद डाटा कलेक्शन आपने लास्ट में बताना है जी, आपने वो डाटा कैसे कलेक्ट किया है, क्वेश्चनेयर के जरिए किया है, ऑब्जर्वेशन के जरिए किया है, कैसे किया है वो आपने नीचे इसमें लिखना है। अच्छा जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें। और अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी क्वेश्चन नंबर 8 भी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।